अरे हेमंत सब साइड में हो जाओ भैया, लाइन से हो जाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे भैया लाइन से हो जाओ, थोड़ा भाई साहब इनको तो उधर करो। आप अरे में ले जाएगा दादा, दादा आप इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ, भाग पीछे आ जाओ। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। नीचे करते हैं आईडी, आईडी एक मिनट, सबको एक साथ ले लो, दो इंडिविजुअल और सारा अपना लगा लो, जिसको भी लगाना। नीचे नीचे कर लो थोड़ा सा, एक जैसे। बाबा जी पहले आसाराम, फिर राम, फिर राम रहे रामपाल। क्या लगता है ये लगातार राम क्यों आ रहे? आईडी ऊपर करो। अरे सर, अरे रिंदो बाबा जी। जी सर, राम हमारे भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े आदर्श हैं। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम के नाम पर यदि कोई धब्बा लगाता है तो ये किसी एक व्यक्ति विशेष का दूषित आचरण है, और व्यक्ति विशेष के आचरण को किसी धर्म संप्रदाय परंपरा संस्कृति और सभ्यता से नहीं जोड़ के देखना चाहिए, और समूह को टारगेट नहीं करना चाहिए। आज भी लाखों संत हैं जो प्रामाणिकता से सच्चरित्रता पवित्रता के साथ जीवन जी रहे और सेवा साधना कर रहे हैं। एक किसी साधु के संत के फकीर के भेष में कोई व्यक्ति था और उसने गलती की तो उससे पूरी उस परंपरा को अपराधी मान लेना, ये बात तो गलत है। लेकिन ये सच है कि हर दो तीन साल के अंदर जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं उससे बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। सरकार बैकफुट पर दिखी आपको, क्योंकि जब वो लगातार वहाँ पे अनुयायी समर्थक जो खट्टर सरकार बैकफुट पे थी सर, अनुयायी इतने इकट्ठे हो रहे थे, उन्होंने कुछ पहले कार्रवाई करते तो इतनी बड़ी आगजनी नहीं होती सर। पहली बात तो ये है कि जो किसी भी क्षेत्र में शिखर पर लोग हैं उनको अनैतिक और गैर कानूनी आचरण नहीं करना चाहिए, और यदि कोई ऐसी संस्था के द्वारा किसी भी प्रकार की कानून को तोड़ने की चेष्टाएं की जाती है तो उसकी पहले से भी तैयारी होनी चाहिए। राम रहीम के समर्थन से जो हमारे पास क्षेत्रीय सीटें वहां पर थी, तो आप लगता है बीजेपी को उसका भी असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा क्या नहीं असर पड़ेगा, ये राजनीतिक बातें हैं। हम इतनी बात जानते हैं कि व्यक्ति को प्रामाणिक जीवन जीना चाहिए, और जो शिखर पर है उसको तो सर्वाधिक प्रामाणिक जीवन जीना चाहिए। जिस तरीके से बात आ रही कि राजनीति में भी शुचिता की आवश्यकता, उसी तरह अब लगता है कि धर्म में भी कुछ इस तरह की, धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों में ही जिस तरह से कलंक लगे हैं, दोनों के ही शुद्धिकरण की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और एक आचार संहिता खास करके धर्म सत्ता के लिए जो हमारे शास्त्रों ने मत पंथ संप्रदायों ने आचार्यों ने तय की हुई है, उसका पालन तो सबको करना चाहिए। बाबा पहले हम रियलिटी शोज में आए तो यहाँ तक भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। निर्मल जी बाबा जी अपने किधर बैठे?
Thank you.